हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल सिलेबस पे बेस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग की रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। यानी हम ऐसी चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसकी कि एट प्रेजेंट काफ़ी डिमांड है ना। आप अपने अगर आईटी फील्ड के हैं तो आपने देखा होगा कि कौन सी लैंग्वेजेस की एट प्रेजेंट में डिमांड्स हैं। तो उसी डिमांड के अकॉर्डिंग हम जो सिलेबस कवर कर रहे हैं हमारे ओ लेवल का, वो है हमारा पाइथन। और प्रीवियस की क्लासेस में, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हमने कुछ ना कुछ नया सीखा ही है। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पाइथन में लिस्ट पे चल रहा है कि हम लिस्ट पे कौन कौन से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको अपनी नॉलेज इम्प्रूव करनी है पाइथन से रिलेटेड, तो इन वीडियोज़ को आपको स्टार्टिंग से देखना होगा। ऐसा नहीं है आप बीच में ही पार्ट 7 उठा रहे हैं ना और उसको देख रहे हैं, उससे समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करना है, फिर पार्ट 2 देखना है, और तब जाके आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो के बाद पार्ट नंबर 7 तक पहुंचना है। इसी तरह आगे के जो भी आपको पार्ट्स मिलेंगे आपको उन तक पहुंचना होगा। ऐसा नहीं है मिड में से आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपको अपने बुद्धि का, अपनी नॉलेज का यूज़ करना होगा और वन बाय वन अपनी वीडियोस कवर करनी होगी, और साथ ही साथ इनके नोट्स आपको बनाने होंगे। और अगर आपके पास आपके गैजेट्स अवेलेबल है, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया या आपका डेस्कटॉप हो गया, या फिर अगर आप मोबाइल में ही किसी एप्लीकेशन के थ्रू पाइथन प्रोग्राम्स बना सकते हैं, तो आपको इन पर डेली प्रैक्टिस भी करनी होगी, डेली बनाने भी होंगे प्रोग्राम्स, ताकि आपको समझ में आते रहें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियो देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन से केवल वीडियो देखने से वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उन पर जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाए, है ना। प्रैक्टिस करने से ही हम हर एक पॉइंट तक क्लियर कर पाते हैं, हमारा हर एक पॉइंट हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ना। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन मैंने आप लोगों को दिया था, और आई होप अगर आप लोग वीडियोस ध्यान से देखते होंगे तो आप लोगों को समझ में आ भी रहा है। ध्यान से देखने पर ही देखिए वीडियो समझ में आएगी, जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक वीडियोस आपकी समझ में नहीं आएंगी। और अगर एक बार कोई मिस्टेक हो जाए तो रिवाइंड करके वीडियो को वापस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते थे, हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप में लिस्ट पे हमारा वर्क चल रहा है, और आज पार्ट 7 है। जैसे प्रीवियस में हमने 6 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, और ऑर्डर, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑर्डरिंग लिस्ट ऑफ पाइथन, सॉरी ऑर्डरिंग एलिमेंट्स ऑफ पाइथन लिस्ट। ठीक है, पाइथन में जो हमारे पास लिस्ट मिलती है हमें ना, लिस्ट बनाना आप जान ही गए, उस लिस्ट को हम अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग या फिर आप उसके अकॉर्डिंग, यानी फॉर्म जो जो इसमें फंक्शंस अवेलेबल है उनके थ्रू आप कैसे एक लिस्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम इसके लिए ऑर्डरिंग लिस्ट एलिमेंट की बात करेंगे, है ना, तो उसके लिए जिस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा रिवर्स फंक्शन। ठीक है, आज हम रिवर्स फंक्शन की बात करेंगे। अब रिवर्स फंक्शन क्या है, बेहद सिंपल फॉर्मूला, बेहद सिंपल ये आपका फंक्शन है। रिवर्स का मतलब आप जानते हैं, जैसे उल्टा चलना या उल्टी हो जाना, कहीं ना कोई चीज़ सिक्वेंस उल्टी हो जाना, है ना, बैक साइड से हो जाना, बैक हो जाना, है ना। जैसे 1 2 3 4 लिखा आपने, अगर हम इसका रिवर्स देंगे तो 4 3 2 1 हुआ, है ना। तो सिंपल सा है, रिवर्स यही है। रिवर्स फंक्शन भी हमारे पाइथन में यही है। इन पाइथन यूजर कैन यूज टू रिवर्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, है ना। आपके लिस्ट के एलिमेंट्स को पाइथन यूजर क्या कर सकता है, उन्हें रिवर्स ऑर्डर में देख सकता है। द रिवर्स फंक्शन डजंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, जो आपका रिवर्स फंक्शन होता है वो कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता है किस में, आपके इन फंक्शंस के बीच में, यानी आप इसे ब्लैंक छोड़ते हैं तो ये अपने आप ही फंक्शंस का जो भी वर्क होता है रिवर्स करने का, वो रिवर्स करके आपका जो भी एलिमेंट्स होता है उसका आउटपुट आपको शो करवा देता है। द रिवर्स फंक्शन डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, रिवर्स फंक्शन के थ्रू कोई भी वैल्यूज क्या होती है, रिटर्न नहीं की जाती। जो भी हमारा एलिमेंट्स का फाइनल आउटपुट होता है वो हमें शो करवा दिया जाता है। इट ओनली रिवर्स द एलिमेंट्स एंड अपडेट्स द लिस्ट, ये केवल क्या करता है, आपके जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिवर्स फॉर्मेट में शो करवाता है, और जो भी आपकी अपडेट्स होती है उस अपडेट्स को आपके लिस्ट में शो करवा देता है ना। रिवर्स करके जो अपडेट्स हुए हैं उन्हें आपको शो करवाना रिवर्स फंक्शन का यूज होता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, सॉरी,
ठीक है, सिंटैक्स देख लेते हैं हम इसका। सिंटैक्स में हमें लिखना है हमारा जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम लिखना है, डॉट रिवर्स लिखना है और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना है। ये हमारा रिवर्स का फंक्शन है। ठीक है, अभी तो हमने इसके थ्योरी देखी, अब हम इस पर प्रैक्टिकल वर्क करके देख लेते हैं। आइडियली हमारा स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा है, कुछ ही नहीं करना। आपकी जो भी सिक्वेंस होगी उसे क्या कर देगा ये, रिवर्स करके आपको शो करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने आरी करके एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए आप जानते हैं हम इस ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, इससे ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि जो भी डेटा यहाँ पे इनपुट किया जाएगा वो किस फॉर्मेट में है, आपके रिवर्स सॉरी लिस्ट के फॉर्मेट में है। ठीक है, ये हमने क्या लिखा, हमारा वो डेटा लिख लिया जो भी हमने लिस्ट में शो करवाया। ठीक है, अब अगर हम इसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, प्रिंट आरी, अभी हमने रिवर्स नहीं करा, अभी हम केवल सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं। तो जो भी हमारे लिस्ट का जो मेमोरी बनी थी जिसमें हमने डेटा हमारा इनपुट करवाया था वो आरी वेरिएबल में था, आरी को हमने क्या करवा दिया यहाँ पे, प्रिंट करवा दिया। तो जो भी हमारी लिस्ट थी वो हमें प्रिंट होके शो मिल गई। अब हम देखना चाहते हैं कि रिवर्स का यूज़ कैसे करें, तो हम क्या लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था, आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले वेरिएबल का नेम लिखना होगा, डॉट, डॉट के बाद आपको क्या लिखना है, रिवर्स का यहाँ पे वो लिखनी है जो भी फंक्शन है, आपको वो फंक्शन यहाँ पे शो कराना होगा कि रिवर्स करना चाहते हैं। अब मैंने बताया केवल हमें ब्रैकेट्स लगाने हैं, इनमें कोई भी हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा जाएगा, तो हमने क्या लिखा दिया यहाँ पे, ब्रैकेट्स लिखा दिए। और अब हम अगर इसे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट आरी, हमारे वेरिएबल का नेम हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए अब क्या हो रहा है, जो भी हमारी लिस्ट थी उसका डेटा हमें किस अकॉर्डिंग मिल गया, रिवर्स होके हमें यहाँ पे शो हो गया। तो बेहद सिंपल आपका ये रिवर्स का फंक्शन है कि जो भी आपने लिस्ट में या किसी भी वेरिएबल्स में अपना डेटा स्टोर कर रहा होगा उसे ये क्या कर देगा, आपका रिवर्स करवा के शो करवा देगा। ठीक है, ये तो हमने किस में किस पे लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लिया है नंबर्स लिए है ना, इंटीजर से लिए। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग भी हो तो उसका कैसे आपका रिवर्स होके आएगा, तो उसके लिए देख लीजिए हम एक एस टी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और हम लिस्ट में ही क्या करवाते हैं, हमारा डेटा इनपुट करवाते हैं। ठीक है, कोई इसमें टैग वो ले लेते हैं हम टेक्स्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर स्ट्रिंग हो, फॉर एग्जाम्पल ए हेलो लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हेलो हमने एक ले लिया, या हम जानते हैं कोट्स के अंदर हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो एक ले लिया हमने हेलो, और सेकंड ले लिया हमने टू, और थर्ड हमने ले लिया टेक्स्ट हमारा ऑल। ठीक है, या हमने क्या ले लिया, str नाम का वेरिएबल लिया, लिस्ट में हमने हमारा डेटा क्या करवाया है, इनपुट करवा दिया। अब अगर हम इसे प्रिंट करके देखें तो वही सिंपल है, सिंपल सा आपको ये ऐसा का ऐसा शो हो जाएगा, स्ट्रिंग का जो भी है लिस्ट में वो हमें शो हो जाएगा हेलो टू ऑल। अब रिवर्स क्या करेगा, str.rever, ऐसे रिवर्स फंक्शन का हमने यूज़ करा, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, str हमारे वेरिएबल का नेम, आपका जो भी वेरिएबल हो आपको वो लिखना होगा, और कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है ना, रिवर्स एसटी, रिवर्स टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, ओके। ठीक है, हमने जब यहाँ पे देखिए, अब हमें एरर भी यहाँ पे शो हो गई, गलती से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एसटी लिख दिया, जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखे जाते। जब हम वेरिएबल का नेम यहाँ लिखवा रहे हैं तो हमें यहाँ पे वेरिएबल का नेम नहीं देना है, क्योंकि इसमें रिवर्स फंक्शन का एक ही बेनिफिट है कि इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखे जाते हैं ना। तो हम वापस इसको लिखते हैं, एसटी हमारा वेरिएबल है, डॉट रिवर्स, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, एंटर करेंगे, प्रिंट करवाएंगे इसको। ये देखिए जो हमारा स्ट्रिंग था हेलो टू ऑल वो रिवर्स होके क्या हो गया, ऑल टू हेलो हो गया, है ना। रिवर्स यानी जस्ट उसका जो भी हमारी सीक्वेंस दी होती है उसका रिटर्न बैक करके उसको चेंज करके हमें उल्टे फॉर्मेट पे वो क्या करता है, दे देता है। अब हम चाहें तो इस पर स्लाइसिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग आप जानते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग वैल्यू लेते थे, एंड वैल्यू लेते थे और वहाँ पे स्टेप वैल्यूज देते थे, तो स्लाइसिंग के थ्रू भी आप अपने रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, आपने देखा हमने यहाँ पे लिखा है हेलो टू ऑल। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर अब आप चाहें कि इसमें स्लाइसिंग के थ्रू रिवर्सिंग का यूज़ करना चाहते हैं, है ना, तो आप
वो क्या होगा, देखिए जो रिवर्स फंक्शन का यूज उसमें हमें कि स्लाइसिंग मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल सा, और स्लाइसिंग में हम क्या लेते थे, इंडेक्स के थ्रू वैल्यूज देते दे थे। अब अगर हम -1 यहाँ से स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, रिवर्स का यूज़ हो क्या आ जाएगा, वहाँ पे क्या करना होगा हमें, रिवर्स फंक्शन का यूज़ नहीं होगा। स्लाइसिंग के थ्रू अगर हम वर्क करके देखते हैं तो हमारे पास रिवर्स फंक्शन को यूज़ करने का एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे हम रिवर्स फंक्शन का वहाँ पे यूज़ ना करें, हम केवल उसमें जो हमारी सीरीज देते थे ना उसका हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स हमारे वैल्यूज जो हमने लिस्ट में इनपुट करवाया है उसे रिवर्स करके देख सकते हैं। कैसे देखिए, चलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये हमारा लिखा हुआ है हमने हेलो टू ऑल। अब हम स्लाइसिंग के थ्रू देखना चाहते हैं कि कैसे हम इस वेरिएबल को स्लाइसिंग के थ्रू रिवर्स करके देख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए हमारा वेरिएबल है यहाँ पे एसटी है, ठीक है। एसटी में क्या स्टोर हो जाए, हमारे एसटी वेरिएबल में जो भी हमारा, देखिए मैंने बताया था स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हैं आप और एंड वैल्यू दे सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, मैं उसके जगह क्या लगा रही हूँ, ओनली कॉलन का यूज़ कर रही हूँ। और -1 दे देते कि क्या हो जाए, रिवर्स से स्टार्ट हो जाए, रिवर्स से स्टार्ट होके क्या हो जाए, ये प्रिंट हो जाए, ठीक है, समझे। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, ये हेलो टू ऑल बता रहा है। ये क्यों बता रहा है, कर तो ये रिवर्स ही रहा है बट किसका कर रहा है, देखिए ये कर रहा है, ये जो हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है उसका रिवर्स कर रहा है। सबसे पहले क्या ले रहा है, -1 पे हेलो लिखा हुआ है तो उसे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, -2 पे 2 लिखा था उसे यहाँ प्रिंट करवा दिया, -3 पे और लिखा था उसे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो इसने क्या लिया, यहाँ वाले को नहीं लिया क्योंकि यहाँ वाले का तो हम पहले ही क्या करा चुके हैं, रिवर्स करवा चुके हैं। और अब इस रिवर्स वाले को अगर हम स्लाइसिंग के थ्रू यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, जो भी हमारी रिवर्स की वैल्यू थी उसे रिवर्स करके बता दिया। आप अपनी कोई न्यू सीरीज, न्यू वेरिएबल लेके उसमें न्यू टेक्स्ट लिखकर भी, न्यू स्ट्रिंग लिखकर भी ये स्लाइसिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी एक सीक्वेंस को रिवर्स कर सकते हैं बेहद सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आपको दो ऑप्शंस के थ्रू आया, एक तो रिवर्स फंक्शंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा लिस्ट डेटा है उसे रिवर्स करके देख सकते हैं। एक आप अगर बिना रिवर्स फंक्शन के भी केवल स्लाइसिंग मेथड के थ्रू, है ना, उसके थ्रू भी अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपल वे में करके देख सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल तरीके, सिंपल मेथड्स हैं किसी भी लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। आप, आई होप आप लोगों को सिंपल तरीके से इन्हें समझ में आ गया होगा। और रही बात अगर किसी को स्लाइसिंग वाला नहीं आता, ठीक है, तो मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप पाइथन के चैप्टर नंबर 3rd या 4th, है ना, 3rd और 4th की जो वीडियोस हैं उनमें आपको स्लाइसिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल आप लोगों को दे दूंगी। तो उससे क्या होगा, आप स्लाइसिंग भी इसके साथ साथ देख सकते हैं अगर आपने पहले नहीं देखी, और अगर पहले देखी भी है भूल गए हैं तो वापस भी क्या कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास को हम ओवर करते हैं।